हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको कुशाष्टी एयरपोर्ट के बारे में एक न्यूज़ आया है जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, इसके बारे में जो है वो मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जो है आज का जो न्यूज़ है वो बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है कुशीनगर एयरपोर्ट के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दैनिक जागरण में जो छपा था इसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर छपा था कि केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 255 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया है। दोस्तों कहने का मतलब ये कि जो केंद्रीय मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जो है वो 255 करोड़ का जो बजट है वो जारी किया है। नई दिल्ली में उन्होंने घोषणा की है और जारी बजट में उन्होंने एयरबेस 321 और बोइंग 337 लाख से सभी अनुमोदन सुविधाएँ विकसित करने की सुविधा दी जाएगी। विमान मंत्री ने 100 दिन के अंदर में 5 एयरपोर्टों को शुरू होने की घोषणा की है। दोस्तों जो ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने जो है वो 5 जो एयरपोर्ट है उसको 100 दिन के अंदर में शुरू करने का जो है वो घोषणा की है। अब दोस्तों इन 5 जो एयरपोर्ट के बारे में बताया गया है उसमें कुशीनगर जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो टॉप पर है। इसके अलावा अन्य कई और भी जो एयरपोर्ट है लेकिन सबसे जो नंबर 1 पर है वो कुशीनगर एयरपोर्ट है। अब दोस्तों इसके बारे में आप जान गए हो कि जैसे ही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया उन्होंने कहा है तब कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। अब उन्होंने 255 करोड़ भी दिया है तो चूंकि कुशीनगर एयरपोर्ट का जितना भी काम है वो तो कंप्लीट हो गया है, तो आप सोचेंगे 255 करोड़ क्या हुआ, तो इसके अंदर जितने भी और अन्य जो सुविधाएँ हो जो नहीं है इस समय उसके लिए जो है ये बजट पास किया गया है। अब दोस्तों 100 दिन का जो समय दिया गया है लेकिन देखते हैं कि क्या 100 दिन के अंदर में कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। और दोस्तों पहली फ्लाइट कहां से आएगी ये आप सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दिनों से जो है वो बात चल रही थी पहली फ्लाइट की, वो श्रीलंका से चल रही थी। तो देखते हैं कि जो पहली फ्लाइट आती है क्या वो श्रीलंका से आती है या फिर किसी और देश से आती है। लेकिन दोस्तों 100 दिन के अंदर में जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट का शुरू होने का जो है वो घोषणा किया गया है। अब यहाँ पर बात करें कि क्या वाकई में 100 दिन के अंदर में कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ तो यहाँ पर जो है वो कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा क्योंकि जितना भी काम है वो एयरपोर्ट का जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी काम कंप्लीट हो गया है तो चूँकि पिछले 2 सप्ताह पहले ही भारी बरसात के कारण जो है इसके अंदर जो है वो पानी लग गया था, लेकिन पानी का जो बाउंड्री वाल है तोड़कर उसको निकालने की सुविधा की गई है लेकिन कोई अभी अच्छे तरीके से ठोस व्यवस्था नहीं किया गया जिसके वजह से पानी जो है वो ना हो। तो देखते हैं 100 दिन के अंदर में क्या कुशीनगर एयरपोर्ट शुरू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। दोस्तों कोई भी अगर अपडेट आएगा तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। शुक्रिया।